हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा की रेसिपी विदाउट ओवन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च, जिसको मैंने काट लिया है, प्याज और टमाटर, और जो हमारा चीज़ है हम उसको ग्रेट करके रख देंगे साइड में। अब हम एक पैन लेंगे, उस पर एक चम्मच में इसमें बटर डालेंगे। हम अपने वेजिटेबल्स इसको डाल के हल्के से सौते कर लेंगे। मैं इस पर टमाटर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च ही सौते करूँगी। मेरी वेजिटेबल्स अच्छे से सौते हो चुकी है, मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। अब हम लेंगे पिज़्ज़ा बेस और इसको डालेंगे हम पास्ता या पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहे तो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेयोनीज भी डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करके चारों तरफ स्प्रेड कर लें। अब हम थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे पहले, और अब हम अपनी वेजीज जो है इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो कोई भी वेजीज ले सकते हैं आपकी मनपसंद। अब हम इसके ऊपर से ढेर सारा चीज़ डालेंगे अच्छे से चारों तरफ। मैं यहाँ पे विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बनाऊंगी, सो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पे पहले भी कुछ चीज़ें बेक कर चुकी हूँ, मेरे पास पुराना वाला नमक बचा है तो मैं वही नमक यूज़ करूँगी। और हम कढ़ाई को ढक के 5 मिनट तक रख देंगे, जब तक ये थोड़ा सा प्री हीट ना हो जाए। हमारी कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कोई भी स्टैंड या ऐसा कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, उसको इसके ऊपर रख के इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा रखेंगे। अब हम 5 से 10 मिनट तक इसका ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है अच्छे से बेक हो जाए। और 4 से 5 मिनट बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स लेटर मेरा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। और अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा को कट कर लूँगी। अब हम इस पर डालेंगे ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स। सो फ्रेंड्स, हमारा विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड मेरी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.